आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। कि पाकिस्तान में बड़ा बड़ा हुस्न है जनाब। मैं बात कर रहा हूं सबके दिलों की शहजादी, अ वंडरफुल परफॉर्मर, चाहे टीवी हो चाहे फिल्म हो कोई भी मीडियम हो, इस लड़की ने सिर्फ और सिर्फ अपने हुस्न का सहारा नहीं लिया, अपने एक्सप्रेशंस का खेल ऐसा खेला कि हर देखने वाला इसकी अदाकारी का दीवाना हो गया, समेत मेरे। आप लोगों की ढेर सारी तालियों में आ प्योर ओरिजिनल नंबर वन दीवा, रेड कार्पेट बिछाया जाए। ओए ओए, आप सबकी ढेर सारी तालियों में मेरे हम सफर की हाला हानिया में। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू, थैंक यू। अरे वाह, मजाक रात की तरफ से जी, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से। और ये देखे ना कितने खूबसूरत खूबसूरत चेहरे यहाँ मौजूद हैं, जिनकी आंखों में आपके आते ही चमक दौड़ने लगी है और हर तरफ पॉजिटिविटी हो गई है। मेरी और आपकी जितनी भी मुलाकातें हैं, जो भी ताल्लुक है, वो इतना प्योर है कि सी थ्रू है। ये उसकी इज्जत के लिए घुटनों पर बैठ के वेलकम टू मुका। थैंक यू, थैंक यू, क्या बात, तशरीफ। ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक सबको, बहुत बहुत ईद मुबारक। आप तो भी हमारी तरफ से ईद मुबारक। थैंक यू, कुर्बानी मुबारक। ईद मुबारक मेरी तरफ से भी। मेरा 7.5 लाख का ऊंट नस गया, मैं ऊंट लभ लांगे। हानिया जी ने कहना रोज रोज। बहुत बहुत ईद मुबारक और वेलकम टू मज़ाकरात। थैंक यू सो मच। आपका बहुत इंतजार था, आज कुछ लाइट यहाँ कम कम लगी। असली लाइट आई हुई ना, असली लाइट आई हुई हानिया जी। ऑन साहब, जब भी कोई मेहमान आता है तो अपनी तरफ से उन्हें शेर डेडिकेट करते हैं, लेकिन आज मेरी तरफ से आपके लिए दो लाइनें गाकर, जो मैंने रात को आपको रिक्वेस्ट की थी कि हानिया आएंगी तो उनको, एक बड़ा जबरदस्त पंजाबी गाना है, मुझे बहुत पसंद है, आप भी मुझे बहुत पसंद है, दो पसंद है गठी पसंद स्क्वेयर। आए आज मेरे बल्ले खैर है, आए आज मेरे बल्ले खैर है, पिछली रात कलम कल्ले खैर है, खलोते ऊंट से भुंद दिते ये जहाज में बैठे पहली दफा। एयर होस्टेस ने आके इनसे पूछा, सर आपको हमारे जहाज का माहौल कैसा लगा? बिल्कुल घर वर्गा, ना कोई घर मूह लाता, ना इतने लाया किसी ने। वेलकम हानिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहला जुमला उन्होंने कहा, मैं खड़ा होकर क्लैप करना चाहता हूँ। नहीं, पहला जुमला। वैसे सरदार साहब आपके बाकी बहुत डाई हार्ट फैन, डाई लगवा के आए। आनिया जी, हाँ जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डब स्मैश, हाँ जी, से शुरुआत जी। आप डायरेक्ट फिल्म में गई जी,
ये सफर इतना आसान था जितना दिखने में लगता है या पसे मंजर कुछ और है? नहीं नहीं, आसान था। फिल्म तक पहुंचने का तो आसान था क्योंकि उस वक्त 18 साल की उम्र में आपको समझ नहीं आ रही होती, हर चीज़ बहुत एक्साइटिंग होती है तो आप बस करते जाते हो कि मज़ा आ रहा है। तो जब डब स्मैश बनाई और प्रोड्यूसर्स ने देखी डब स्मैश, तो फिर सीधा फिल्म की, फिर उसके बाद ड्रामे किए, फिर उसके बाद जब बड़े हुए तो समझ आए कि तो मुश्किल है थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह बस होता गया। तो जब आपको पहला ऑफर आया डब स्मैश से जी, आपको लगता था कि मैं ये जो डब स्मैश बना रही हूँ अचानक से किसी प्रोड्यूसर का फ़ोन आएगा? जब फ़ोन आया तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? सबसे पहले किसे बताया? फ़ोन आया, मेरी बात हुई, मैं कमरे में थी, मैं बाहर गई लाउंज में, मेरी अम्मी और दोस्त बैठी हुई थी, तो मैं बाहर गई, मैंने कहा मुझे शायद सच में किसी फिल्म की ऑफ़र आई है, उन्होंने कोई मेरी वीडियो देखी है। तो सब हंसने लग गए तो बहुत ज़्यादा हंसे। अच्छा। और फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा कोई नहीं, इतना कौन सा बड़ा रोल होगा, कोई बैकग्राउंड में कुछ कर रही होंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा सही है। उस वक्त मैं होती थी एबटाबाद में, तो मैं शिफ्ट हो रही थी इस्लामाबाद। और ये वही एबटाबाद है, ये वही एबटाबाद जहां हम दोनों एक, क्या आप लोगों को इस बात का पता है? नहीं जी। हाँ। मैं और हानिया एक स्कूल में पढ़े हुए, हानिया मेरी जूनियर है, हम उस बात तक दोबारा जाएंगे, लेकिन क्या आपके पास उस स्कूल का कोई वाकया मौजूद है? निकाली गई थी जी हानिया, आप भी निकाले गए थे, मुझे कितना पता है। बताइएगा आपको क्यों निकाला था? आप अपना मत बताइएगा। मेरा पता है ना? यस यस। वो ये हुआ था कि मैं इस्लामाबाद में पढ़ती होती थी, तो यहाँ पे आदत नहीं थी, यहाँ पे थोड़ी सी हम तैयार होके जाते थे, तो जो एबटाबाद के थोड़े सादे लोग थे और सख्त स्कूल था, तो मैं गलत जूते, गलत ब्लेज़र, हुडी शुडी चढ़ा के चली जाती थी। फिर एक दिन बेइज्जती, दो दिन, दसवें दिन उन्होंने कहा आप निकल ही जाएगा। हाँ, फिर उन्होंने मुझे सस्पेंड किया कोई दस दिन। दस दिन के लिए गया था मुझे उन्होंने सस्पेंड किया, 25 दिन के लिए, क्योंकि मैं बोर्डर था और जब रात 8 बजे इशा की नमाज का वक्त था, सब नमाज पढ़ रहे थे, तो पीछे की दीवार से फलांग के मैं निकल गया। मैं किस लिए गया था ये बात हानिया बहुत अच्छी तरह से जानती है। मैं वही सोच रही हूँ कि ये तो वो कहानी नहीं है। जहाँ गया था जी जी जी, वो तो आपको पता है जी जी जी, लेकिन जब मैं वापस आया तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे छोटियों से मेरा इस्तकबाल किया। बहाना मैंने क्या लगाया, क्या मुझे कहते हैं कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? मैं कहा सर सुपारी खाने का दिल कर रहा था, वो लेने गया। यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं द एक्टिंग एंड ब्यूटी क्वीन, माय फेवरेट हानिया आमिर, और देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसे सब बड़े दिल, बड़े प्यार और बड़े एहतराम से कहते हैं मज़ाक रात।